चल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में प्रारब्ध हूं। मेरा स्वभाव निरामय है क्योंकि मैं सांसारिक माया मोह और हर्ष विषाद से सदैव परे हूं, परंतु कभी कभी मैं भी मानवीय संवेदनाओं के प्रवाह में स्वयं को बहने से रोक नहीं पाता। आज फिर मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण कर रहा हूं, क्योंकि आचार्य शुक्र और उनकी पुत्री देवयानी के बीच चल रहा वात्सल्य प्रसंग मुझे आनंदित कर रहा है। कितना पावन, कितना भाव प्रवण है ये पिता और पुत्री का प्रेम। कितना अच्छा होता कि काल गति यहीं थम जाती और मैं इस सुखद दृश्य का दृष्टा बना रहता। अरे ये क्या, मैं अतीत को वर्तमान समझ बैठा? आचार्य शुक्र तो देवयानी को उसकी माता जयंती की कथा सुना रहे हैं, परंतु आगे का प्रसंग तो बड़ा कारुणिक है। ओह कैसी विडंबना है ये, एक पिता अपनी पुत्री को उसकी जननी के मृत्यु का प्रसंग सुनाने वाला है। स्वामी, तो फिर आप मुझे पितामह भृगु एवं पितामही पुलोमा की सेवा करने का अवसर क्यों नहीं देते? Thank you.
जयंती, ये तुमने क्या किया? मेरी धोती फाड़ डाली? किंतु क्यों? मेरी प्रियतम, मेरे मन में आने वाला विचार क्या सत्य है? क्या यह सत्य है कि मैं पिता और तुम माता श्री के अलंकार से अलंकृत होने वाले हैं? यदि यह सत्य है तो तुमने मेरे जीवन की अतिशय महत्वपूर्ण आकांक्षा को परिपूर्ण कर दिया है। भृगुकुल तुम्हारे दिए इस उपहार को सहज स्वीकार करता है। स्वामी, मुझे बताइए, आपको पुत्र चाहिए या पुत्री? मुझे तो देव कन्या जैसी मोहक पुत्री चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। परंतु स्वामी, मुझे तो ऋषि कुमार चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। नहीं, मुझे तो देव कन्या जैसी ही पुत्री चाहिए। किंतु मुझे ऋषि कुमार चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। नहीं, देव कन्या। ऋषि कुमार। देव कन्या। ऋषि कुमार। देव कन्या। स्वामी, अगर आपने मुझे एक और बार देव कन्या कहा तो मैं रुष्ट हो जाऊंगी। कन्या तो आप देव की ही हैं, भारे अवश्य ऋषि की हैं। स्वामी। और हाँ, पुत्र हो या पुत्री, ये तो विधाता की इच्छा के अनुकूल होता है। इसलिए पुत्र या पुत्री हमें मान्य होना चाहिए। स्वामी कितने अच्छे हैं। यदि देवलोक में देवगण मेरे पिताश्री से उनके बारे में सत्य कहे होते तो अवश्य आज वो देव गुरु होते। मैं पितामह से उनकी दूरी को कम करने का भी प्रयत्न करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि इनका कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है। कदाचित संवादहीनता ने ही इन दोनों के संबंधों में भेद उत्पन्न कर दिया। शुक्रदेव कहाँ है पुत्री? वो महाराज वृषपर्वा के महल गए। इस अवस्था में एक स्त्री को आराम की आवश्यकता होती है। और ऐसी अवस्था में घर गृहस्थी का सारा कार्य तुम अकेले कर रही हो? ऐसा करना जच्चा बच्चा दोनों के लिए हानिकारक होता है। आपकी चिंता स्वाभाविक है माता, किंतु गृहस्थी का कार्य तो पत्नी को ही करना होता है। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं पुत्री। किंतु स्वामी नहीं है। हाँ पुत्री, हम शुक्र को बता देंगे, तुम हमारे साथ चलो। स्वामी को बुला दो, मुझे अपार वेदना हो रही है, उनका यहाँ आना अति आवश्यक है। देवी, इस पीड़ा को सहना ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, स्वामी, ये प्रेम में इतना समय क्यों लग रहा है?
देवी, ये सारे उपहार अपने देवयानी के पितृकुल की ओर से आए हैं। जानती हूँ साध्वी जी, ये सारे उपहार मेरे पुत्र के पितृकुल का प्रेम है। महर्षि भृगु और साध्वी फूलोमी जी अपने देवयानी का चंद्रमुख देखते ही हर्ष से फूले में ही समा रहे थे। बस करो साध्वी जी, क्या है ना, दो पीढ़ियों के बाद भृगु कुल में एक कन्या ने जन्म लिया, इसलिए सबके मुख पे बस इसी की प्रशंसा होती है। जननी बनते ही पुत्री के प्रति भावना नहीं प्रबल हो जाती है ना। किंतु एक सत्य बताना चाहूंगी देवी। कैसा सत्य साध्वी जी? श्रेष्ठ पुलोमी जी आश्रम के द्वार पर अब तक अनवरत अपनी देवयानी की प्रशंसा किए जा रही है। मुझे तो केवल इसी बात का हर्ष होता है कि मेरी पुत्री ने पितामह और पौत्र को मिला दिया। क्योरी, मेरी अनुपस्थिति में अपने ताप को तंग मत करना। उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के भाग का दुर्भाग्य भी जिया है। स्वामी, आपके आत्मविश्वास का मुझे हर्ष है। आप अपनी पत्नी को मृत्यु का आनंद लेने भी कहते हैं, इसका भी मुझे हर्ष है। मेरे प्रति आपके भाव मेरे सौभाग्य की पराकाष्ठा है स्वामी। इन कुछ क्षणों के जीवन में ही आपकी भार्या ने अपने अनंत जन्म जी लिए। ईश्वर करे आपकी मृत संजीवनी आपके साथ कभी विश्वासघात ना करे। स्वामी, ये होने का आपके पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे बाद आप ही इसकी माँ, इसके पिता और गुरु होंगे स्वामी। परम ज्ञानी शुक्र, हमने तुम्हें बताया था कि स्वसंबंधियों पर यह विद्या कार्य नहीं करेगी। अर्थात ये पुत्र, कि तुम अपनी भार्या जयंती को मृत संजीवनी विद्या से जीवित नहीं कर सकते। Ah
आइए, देव ने स्नान कर लिया है। गुरुदेव, आपने फिर से अश्रु बहाए। गुरुदेव, देव की हर अवस्था में, उसके जीवन के हर पल में आप इस तरह देवी जयंती को याद करेंगे तो उनकी आत्मा को भी पीड़ा पहुंचेगी। हाँ साकृति, तुम ठीक कहते हो, किंतु क्या करूं, ये अश्रु बिना मेरी आज्ञा के बाहर निकल आते हैं। तुम चलो, मैं आता हूं।